एक बेहद ही सुखी परिवार जिसमें एक इकलौती संतान 4 साल का एक बेटा होता है, अचानक वो बेटा घर से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद माँ बाप तमाम तरह की कोशिशें उसे ढूंढने की करते हैं, लेकिन कहीं भी उस बेटे का आता पता नहीं चल पाता। दोस्तों, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, इधर पिता भी रोने लग जाते हैं और माँ यही कहती है कि मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। दोस्तों, ऐसा भी होता है 25 साल के बाद वो बेटा वापस अपनी माँ से मिल जाता है, लेकिन 25 साल के अंतराल में वो माँ उसे कैसे पहचान लेती है और बेटा को कैसे विश्वास दिलाया जाता है कि तू मेरा ही बेटा है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के आलोट, यहाँ पर एक परिवार जो कि काफ़ी धनाढ्य परिवार होता है, अचानक उनके घर में एक खुशी आ जाती है और उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इधर चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, बेटे का नामकरण किया जाता है तो बेटे का नाम सत्यम रखा जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है, लगभग 4 साल का बेटा हो जाता है। इधर जो माँ होती है वो भोलेनाथ की परम भक्त होती है, वो सुबह सुबह डेली भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और वहाँ जाकर पूजा अर्चना करती है और अपने बेटे की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही एक दिन सत्यम अपने घर से बाहर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ गुंडे उसे वहाँ से उठा लेते हैं और उठाने के बाद किसी को नहीं पता होता कि वो बेटा कहाँ चला जाता है। इधर माँ और घर के जो भी और लोग होते हैं तमाम उस बेटे को ढूंढने की कोशिशें करते हैं, लेकिन कहीं भी उस बेटे का आता पता नहीं लगता। सुबह से ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, शाम तक भी बेटे का कहीं भी आता पता नहीं लगता और शाम को वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सत्यम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी तमाम तरह की कोशिशें करती है लेकिन किसी से कहीं से भी पुलिस को कोई क्ल्यू नहीं मिल पाता और ना ही उस बेटे का कहीं आता पता लगता। दोस्तों, माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो अपने घर में रोते रहते हैं और भोलेनाथ को याद करते रहते हैं, लेकिन माँ यही कहती है कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा, मुझे विश्वास है। इधर माँ बाप को बेटे का इंतज़ार भी होता है कि कहीं किसी फरौती वाले का फ़ोन आ जाए, कोई पैसे की डिमांड कर ले और हमारे सत्यम को हमें वापस कर दे। दोस्तों, लेकिन ना तो किसी पैसे वाले का उनके पास फ़ोन आता है और ना ही कोई क्ल्यू मिलता है। लगातार समय बीतता रहता है, माँ अपने बेटे सत्यम को याद करके लगातार रोती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, 10 साल लगातार बीत जाते हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके घर में एक खुशी और आ जाती है। उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है और लड़की का जन्म होने के बाद घर परिवार कुछ हद तक सत्यम को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जो माँ होती है वो अपने बेटे सत्यम को नहीं भूल पाती। वो लगातार अपने सत्यम की याद करके रोती रहती है और भोलेनाथ को डेली याद करके भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बेटे को मेरे से मिला दे, मेरे बेटे को वापस मेरे पास ला दे। माँ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करती है कि मुझसे कौन सी बड़ी भूल हुई है जिसकी वजह से मेरे बेटे को मुझसे बिछड़ा दिया है, भगवान मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे, मेरे बेटे से मुझे मिला दे। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय और बीतता रहता है, लगभग 25 साल का समय बीत जाता है। एक दिन जो उसकी माता होती है जिसका नाम होता है कमला, कमला को रात को स्वप्न आता है। स्वप्न में उसे एक मंदिर दिखाई देता है, केदारनाथ का मंदिर। और दोस्तों, केदारनाथ के मंदिर जैसे ही उसे दिखाई देता है वहाँ पर उसे स्वप्न में ही उसका बेटा भी दिखाई देता है। दोस्तों, इधर वो अपने पति से बातचीत करती है और कहती है कि हमें केदारनाथ मंदिर जाना होगा, वहाँ हमारा बेटा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक माँ को इतना विश्वास होता है कि वो इस तरह से कहती है कि वहाँ हमारा बेटा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें वहाँ जाकर उसे लेकर आना होगा। लेकिन पति क्या करता, माँ की ममता के आगे पति भी झुक जाता है और वो अपनी वाइफ को लेकर और अपनी बेटी को लेकर केदारनाथ मंदिर की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही केदारनाथ मंदिर के रास्ते में वो पहुँचते हैं, वहाँ पर एक चाय का होटल होता है, उस चाय के होटल पर बैठकर वो चाय पीने लग जाते हैं। और जैसे ही चाय वाला चाय लेकर आता है, माँ उस चाय वाले के हाथ को देखती है, हाथ को देखते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ रोने लग जाती है। उस चाय वाले से पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तब वो चाय वाला बताता है कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और ना ही मुझे ये पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं तो इस मंदिर में ही रहता हूँ और यहीं पर अपनी गुजर बसर किया करता हूँ। काफ़ी साल पहले
पता नहीं कोई गुंडे मुझे उठाकर लाए थे और मैं उनसे बच बचाकर यहां आकर इस मंदिर की शरण में ही रहने लगा। अब तो माँ ये सब सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथ पर जो निशान देखती है, उस निशान को देखकर वो दृश्य याद करने लग जाती है जो उसके 4 साल के बेटे के हाथ में था। उसके 4 साल के बेटे का हाथ जला हुआ था, वो किसी कारण से उसका हाथ जल गया था और हाथ पर वही निशान देखकर माँ एकदम से भावुक हो जाती है। माँ उससे कहने लगती है कि तू तो मेरा बेटा है, लेकिन जो चाय वाला होता है वो कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किसका बेटा हूँ, मैं तो इस मंदिर में ही रहता हूँ और मेरा यही पिता है और यही माता है, मुझे नहीं पता मेरा कौन माता पिता है। दोस्तों, जब उसे पुराने फोटो जो उसके 4 साल के होते हैं वो फोटो उस लड़के को दिखाए जाते हैं, तब उसे कहीं कुछ याद आता है, तब वो भी फूट फूट कर रोने लगता है और दोनों माँ बेटे मिल जाते हैं। बेटे को मिलने के बाद वहाँ पर जो पिता होता है वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जो बहन होती है वो भी रोने लगती है और जो माँ होती है वो परमात्मा का धन्यवाद करने लगती है और कहने लगती है कि हे परमपिता परमात्मा, हे भोलेनाथ, आज तूने मेरे वर्षों की तपस्या को सफल कर दिया है, आज मेरे बेटे को तुमने मुझे वापस दे दिया है। तो दोस्तों, वहाँ से अपने बेटे को लेकर फिर वो वापस अपने गांव आ जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, एक माँ का दृढ़ विश्वास अपने बेटे को वापस ले आता है 25 साल के बाद भी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, ये माँ का दृढ़ विश्वास था या भोलेनाथ की उन पर असीम कृपा हुई थी? आपका जो भी विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। दोस्तों, एक बार जाते जाते सभी भक्तजन भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगा के जाएं, जय जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बस यही है, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, अगर आपकी आस्था दृढ़ है, तो आपको जो भी आपने सोचा हुआ है वो जरूर मिलेगा। दोस्तों, दिन देरी हो सकती है लेकिन आप असफल नहीं हो सकते, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।